इंटरनेशनल स्कूल। हमारे साथ हैं आज बड़ोनी जी। बड़ोनी जी आज टीरे आए हैं काफ़ी टाइम। कैसा लगा भाई फर्स्ट इम्प्रेशन? कैसा लगा सर आपको व्यू? आप पहली बार आए हो ना? हाँ भाई बताओ जी कैसा लग रहा है टीरे आके? ये है मयंग मंगे जी। अरे मास्क तो नहीं चल, लॉकडाउन में मेरी जिंदगी बदल, इज्जत ही नहीं कोई, चल निकल बल फटाफट। गाइस गुड मॉर्निंग, नो सॉरी गुड आफ्टरनून, 12 बज चुके हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, काफ़ी टाइम बाद घूमने का ब्लॉग आ रहा है। तो आज मेरा एक दोस्त आ रखा है बड़ोनी जी हरिद्वार से, तो इनको ले जाना है आज घूमने। अभी तो हमने कुछ ही डिसाइड नहीं किया कहाँ जाना है कैसे जाना है, पर निकल चुके हैं हम, देखते हैं कहाँ जाते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना अनप्लान ट्रिप्स आर ऑलवेज बेस्ट। तो देखते हैं क्या होता है आज। और पीछे ही हमारा शहर, तो मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग यहाँ से कर रहा हूँ, कोई बात नहीं यार चलते हैं इतना। अभी चलते हैं आगे की तरफ। अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं न्यूट्री, न्यूट्री दिखाता हूँ भाई को, फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं आगे आगे। चलो बड़ोनी चुके हैं धारे पे। और ये हमारे बड़ोनी जी, कैसा लग रहा है आप टीरे आए हो? कुछ बोलना चाहोगे टीरे की खूबसूरती के बारे में? रहने वाले बोलना क्या हमने? ओह हाँ ये भी है, ये तो यहीं के रहने वाले। पीते हैं पानी फिर चलते हैं आगे न्यूट्री। और आज मौसम भर है ऐसा, ज़्यादा बादल नहीं, पहाड़ों में ऐसा आता है ठंडा पानी पहाड़ों के बीच से। हाँ हाँ ये नेचुरल वाटर है, ये फ्रिज में भी नहीं रखना पड़ता है। क्यों बड़ोनी जी फ्रिज का पानी सही नहीं होता पीने के? ये रहा हमारा स्कूल NTIS न्यू टिहरी इंटरनेशनल स्कूल। यहाँ हमने 2 साल बिताए इंटरनेशनल स्कूल में। रावत भाई जी ने बहुत काम करे। नहीं नहीं और ये नीचे ग्राउंड देख सकते हैं आप, ये बोर्ड यहाँ से हम नीचे जाते थे। बाय बाय NTIS। मौसम ऐसा हो रहा है कभी धूप कभी छाया, तो मौसम भी हमारे फेवर में है, ज़्यादा धूप नहीं लगने दे रहा हमें, ताकि हमें फिर ज़्यादा गर्म लगने लग जाएगा ना फिर। और क्योंकि आपको पता है मानसून का सीज़न स्टार्ट हो गया है, बारिश ना आए पर ऐसे रहे मौसम, ऐसे मौसम में घूमने का अलग ही मजा है। कभी कभी तेज़ बारिश होती है तो ये यहाँ गिरना बहुत ख़तरनाक आता है, मतलब ये टूटते टूटते। तो अब इन्होंने बहुत अच्छे से उसको मैनेज कर लिया, वहाँ पर ब्रिज बना के अच्छे से। तो ये रास्ता जाता है पाटा। बीप्रम जहाँ मैं रहता हूँ, अभी मैं बड़ोनी भाई को बता रहा था अपने बीप्रम के बारे में। तो आज यहाँ धुंध रखी थोड़ा, क्योंकि मौसम पता नहीं कैसा हो रहा है बेचैन से। तो अब हम अभी हम कुछ सोच के नहीं निकले कि कहाँ जाएंगे क्या करेंगे। अब बड़ोनी जी जहाँ ले जाएंगे हमें, हम वहीं जाएंगे। क्यों बड़ोनी जी? रास्ता तो मुझे पता है पर डेस्टिनेशन नहीं पता मुझे अभी। तो हमारे साथ हैं आज बड़ोनी जी। बड़ोनी जी आज टीरे आए हैं काफ़ी टाइम बाद। कितने साल आ गया था? अरे नहीं काफ़ी टाइम बाद, मैंने कहा वैसे पहले कब आया? हाँ 2 साल बाद, मैं तो खैर ही रहता हूँ। तो हम बड़ोनी जी को आज घूमने ले जा रहे, तो देखते कहाँ कहाँ जाना होता हमारा अभी डिसाइड। और अभी हम हैं अपने एरिया के ऊपर पे मेन रोड पे, अभी हम अभी यही डिसाइड करें कहाँ जाएँ कैसे जाएँ। तो चलो यार वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते, दिखाते आपको भी और चलते हैं फिर अभी आप आगे की सफर। अभी हम रास्ते में रुक चुके हैं और मैं अपने दोस्त को दिखा रहा हूँ बड़ोनी जी को सुसाइड पॉइंट। उल्टी चीज़ क्या? जो चीज़ है वो है गाइस, आपको भी दिखाता हूँ ये यहाँ का सुसाइड पॉइंट। अरे इधर आना, मेरा पांव तो खुद ही फिसल रहा है। और देखो गाइस इससे ज़्यादा आगे मैं नहीं जा सकता, ये देखो
नीचे एक झरना है प्यारा सा। अरे देखो खाई, ये देखो यहाँ से कुछ, यहाँ देख सकते हो कैसी ग्रीनरी है अपने पहाड़ में। मैं भी काफ़ी टाइम बाद निकल रहा हूँ, मतलब घूमने के लिए घर से बाहर, दोस्त के बदौलत ही निकल पाया। अभी चलते ऊपर न्यूट्री को, अभी हम दिखाते हैं टीरीज बैंड के बाद थोड़ा सा छोटा सा ग्लिम्स दिखेगा आपको टीरी का। और हम फाइनली एंटर कर चुके हैं टीरी में। कैसा लगा भाई फर्स्ट इम्प्रेशन? ये हमारा मिनी मनाली। से बैठ के पूरी टीरी दिखाऊंगा मैं आपको, थोड़ा चिल करेंगे वहाँ पे बैठ के। तो चलते हैं उस जगह पे, अभी घूम रहे हैं हम गलियों में। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं थोड़ा आगे की तरफ, न्यूट्री से आगे, वही दिखाऊंगा मैं आपको व्यू। ये है पूरा न्यूट्री, अब यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं, चिल करते हैं बडौनी जी के साथ। डबल में करूँ सिंगल? अरे जैसा कि मर्जी वैसे। और देखो कैसे प्यारा लग रहा है अपना शहर। कैसा लगा सर आपको व्यू? आप पहली बार आए हो ना? हमको तो आदत हो गई रोज रोज देखते देखते ना, तो पहली बार आया। हाँ कैसा लग रहा है? ये है मास्टर प्लान से बसा हुआ शहर न्यू टिहरी, जो कि पुरानी टिहरी की याद में बसाया गया है। जिसने मेरा न्यूट्री वाला व्लॉग नहीं देखा, सॉरी हिस्ट्री ऑफ टीरी वाला, तो वो देख सकते हैं, मैंने उसमें हर चीज़ बताई है। तो चलो अभी हम थोड़ी देर एंजॉय करते हैं यहाँ पे, तब मिलते हैं आप। तो गाइस अभी हम थोड़ा ज़रा ठंडे होंगे, थम्सअप, उनको थम्सअप ही मिला। हाँ भाई बताओ जी कैसा लग रहा है टीरी आके? मस्त लग रहा है। और मतलब क्या कहना चाहोगे, कॉलेज खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? वैसे मेरे हिसाब से तो अब नहीं खुलने चाहिए, क्योंकि हमने फीस पास भी भरी दी है। तो अब नहीं नहीं पेपर हो जाए बस, यही फर्स्ट सेम में भी हमारे साथ पेपर ही पेपर हुआ है। A few moments later हम घूमते घूमते अपने दोस्त से मिल चुके हैं यहाँ पे। ये है मयंक ममगई जी। अरे मास्क तो नीचे करो यार, मयंक जी को आप बहुत मिस करेंगे। इनको जरा इनके चैनल पर कमेंट करके परेशान कर देने की वीडियो क्यों नहीं डाल। ममगई जी इतना चेंज हो गया आप, कैसे आप स्कूल में, यहाँ कितने भोले बन रहे हो, क्योंकि अभी अपनी दुकान के आगे ना यहाँ शरीफपन दिखा रहे हो। और हमारी क्लास के बच्चे तो समझ ही सकते हैं कितने शरीफ बच्चे हैं। समझ रहे हो ना? और देखो टी शर्ट में भी लिखा यंग फॉरएवर। इनके अंदर ऐसे चेंजेस आए हैं कि ये पहले बहुत वैसे था उग्रवादी, अब ये बहुत सीधा हो चुका है। ये है लॉकडाउन का सर, मैच्योरिटी आ चुकी है। मैच्योरिटी तो नहीं आई इसमें, पर कुछ और ज़्यादा ही आई इसमें। वो दिखाइए मयंक जी आप। अरे यार आपके फैंस आपके बहुत वो कर रहे हैं कि मयंक जी है कहाँ। अरे यहाँ देख के बोलो ना, चुनना समेट तो रहते, पर ब्लॉग कहाँ है आपका? ब्लॉग विल बी आउट सून। अरे इस गाइस ये सर मारे हैं, तो चलो हम कैमरा बंद कर लेते क्योंकि ये बात ही नहीं कर रहे हैं हमारे। अबे तब तक सिनेमैटिक तो कपाल है सिनेमैटिक। ये हमारे कामकाजी आदमी, बहुत ही कामकाजी है ये। चलो कुछ तो कर रहे हैं लॉकडाउन में सब, ये भी कर ही रहे हैं हम भी कर ही रहे हैं। क्यों भाई तुम क्या कर रहे हो यार टीवी में, घर जाओ। ममगई जी बन चुके हैं बिजनेसमैन। समा क्यों रहा क्या मेरे को देख के? लॉकडाउन ने मेरी जिंदगी बदल दी। जिंदगी बदल दी देखो, बर्बाद कर दिया तुमने। हर दिन का कितना कमा रहे हो हैं सर? खाली है मेरे को। क्या हो गया, ये तो बात कर नहीं रहा है, देखो पता नहीं क्या हो गया इसको, चेंज हो गया ये। हम उनकी दुकान में बैठे अभी, मैं मेरे दोस्त अभी खिलाए गए हमें थोड़ा बर्गर लेट्रॉल और क्या क्या ऐसी दुकान में क्या ला। अब ये जो भी खिलाएगा देखते हैं क्या खिला। ये देखो टारपिन वगैरह, ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक हमारे टाइम स्पेंड करने बाद अब ममगई जी को टाटा करते हैं। अभी हम चलते हैं अपने घर की तरफ। चलो ममगई जी मिलते हैं आपको जल्दी। बोले यार ब्लॉग बना, इज्जत ही नहीं कोई, चल निकल बल फटाफट।
ऐसे करते ही देखो जरा मेहमानदारी अच्छे से करना। खिलाया साले ने कुछ नहीं खिलाया। कैसे दोस्त है ये, उल्टा मैं लाया इसके लिए कुरकुरा। हाँ ये देखो बर्गर ही बर्गर रखे हुए हैं। बर्गर मंगे जी बाय, मिलते हैं मंगे जी को बाय। जा रहे हैं घर की तरफ वापस, मंगई जी से मिलना हो गया, दोस्त का घूमना हो गया, चलते हैं घर की तरफ वापस। देखो नज़ारा एंजॉय करो आप। चुके हैं न्यूट्री मार्केट, तो यहाँ से बस कुछ ही दूर है हमारा घर, अब 10-12 किलोमीटर और। अभी ड्राइव कर रहे हैं हमारे पडोनी जी, हाँ अननोन ड्राइवर अननोन है। ये हमारा न्यूट्री शहर, अभी हमारी गाड़ी चल रही है न्यूट्रल साइलेंट मोड, क्योंकि यहाँ बचता है तेल, तो पहाड़ों में ये प्लस पॉइंट एक ये भी है, तेल बचाओ, आधा तेल लगता है। बस इतना ही था, तो अभी चलते हैं हम घर की तरफ क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं। और पटोनी जी कैसा लगा आपको टीरी घूम के? मज़ा आ गया भाई साहब, पटोनी जी को तो मज़ा आ गया। अभी चलते हैं घर की तरफ, जल्द से जल्द कोशिश करूँगी ये ब्लॉग आप तक पहुँचे। मिलते हैं आपको जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ सर पार्टी, बाय बाय।